छत्तीसगढ़ सरकार का आम बजट वाला है और हमारे बीच में बिलासपुर शहर के कुछ बुद्धिजीवी हैं, आमो खास हैं। हम उन सबसे जानने की कोशिश करते हैं कि बिलासपुर शहर की और संभाग भर की क्या अपेक्षाएं हैं, आपकी क्या उम्मीदें हैं, बताइए। मेरा अपना मानना है कि इस शासन के पूर्व जो कांग्रेस ने घोषणाएं की थी उन पे उनका पालन होना चाहिए। जैसे कि शराबबंदी एक बहुत बड़ी घोषणा थी जो कि सीधे सीधे महिलाओं को प्रभावित करती है, तो शराबबंदी पर शासन को कार्य करना चाहिए। इसी प्रकार शासन की एक बड़ी घोषणा थी कि संपत्ति कर आधा कर दिया जाएगा, उस पर विचार होना चाहिए। और बिजली दर तो शासन ने कम किया ही हुआ है, परंतु विकास के उस पर जब हम देखें तो जो मूलभूत स्ट्रक्चर जो है, चाहे सड़क है, चाहे बिजली है, जो पानी है, उस पर जितना गति चाहिए थी वो गति अभी छत्तीसगढ़ प्राप्त नहीं कर पाया है, तो वो गति उसमें आनी चाहिए। जो नए गांव शामिल किए गए हैं उन नए गांवों को विकसित करने का जो प्रपोजल है वो 100 करोड़ का बजट है करीब, तो उसको 3 साल में बांटकर प्रति साल 33-33 करोड़ अगर आवंटन होता है तो उससे जो नए गांव नगर निगम में जुड़े हैं उनका विकास होगा। और उसके अलावा एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम अगर घोषित हो तो मुझे खुशी होगी। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है भैया, कि विपक्ष ने भी ये स्वीकारा है, कहा है, आने वाले समय में आक्रोशित भी नजर आए कि नई पंचायत जो जुड़े उनका विकास हो। आपका क्या कहना है? विकास पैसे के दम पर होगा, और ऊपर जो बैठी केंद्र सरकार वो पैसे ही नहीं दे रही है। गोलमोल जैसे भी भैया बताए, शेष अवशेष हम लोग समझ नहीं पाते, ये उन्हीं लोग समझ रहे हैं और आम जनता नहीं समझ पा रही। आम जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही, जहाँ जहाँ पर भी गैर कांग्रेसी सरकार है, जहाँ कांग्रेस सत्ता में या उसके विपक्ष के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी है, उसके लोग की सोच। निगम का विस्तार हुआ तो विकास के लिए पैसा तो चाहिए, बिल्कुल चाहिए। और बड़े दुख का बात है कि जो प्रधानमंत्री इस बात को बोलता है कि पिछली सरकार के कारण महंगाई बढ़ी, 7 साल में कुछ नहीं कर पाया, तो अभी तो 1 साल नहीं हुए यार जुड़े हुए, कम से कम हमको समय तो अपेक्षा होगी। हाँ, पूरी अपेक्षा, और विकास होगा जो बोला गया है। अच्छा, तो भैया महापौर हैं आप इस शहर के, अपनी कुछ अपने तरफ से कुछ डिमांड, कुछ मांग आपकी? जो 15 ग्राम पंचायत, 2 नगर पंचायत, 1 नगर पालिका, जो नगर निगम बिलासपुर में 5 विधानसभा जो शामिल हुआ है, क्योंकि जिम्मेदारी बढ़ गई है, इसलिए मैंने 104 करोड़ का प्राकलन तैयार करके राज्य शासन को भेजा है, जिसमें से अभी जब माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे 1 साल कार्यकाल पूरा होने पर, तो उन्होंने 20 करोड़ रुपए की घोषणा करके गए हैं, उस 20 करोड़ का भी मैंने प्राकलन बनवा दिया है और भिजवा दिया है, ताकि आने वाले जो समय हैं, खासतौर पर ग्रामीण अंचल में बहुत ज़्यादा जो मूलभूत सुविधा है उसकी कमी है, रोड, नाली, पानी, पेयजल की समस्या, पेयजल के लिए अभी 20 करोड़ का सेंक्शन हो रहा है, अभी शासन के पास है, और वो 20 करोड़ पंचायतों के लिए होगा, जिसमें से जल का जो पेयजल का व्यवस्था हो जाएगा। महिलाओं की भी कुछ अपेक्षा होती होगी? जब से तो ऐसे कांग्रेस सरकार आई है, महिलाओं को सशक्तिकरण पर बहुत ध्यान दे रही हैं, और अगला जो बजट आएगा वो भी महिलाओं के अनुरूप ही आएगा, महिलाएं उससे खुश ही रहेंगी, हमको पूरा। कहाँ महिलाएं कहाँ पे अपने आप को कमज़ोर पाती है? अभी जिस तरीके से अपना घर चलाने में सबसे ज़्यादा कमज़ोर पा रही हैं महिलाएँ, और ये केंद्र की नीति है जिससे महिलाएँ परेशान हैं, उससे भी निजात दिलाने में हमारी राज्य सरकार बिल्कुल लगी हुई है, और महिलाओं को सशक्तिकरण पर उन्होंने बहुत ध्यान दिया, क्योंकि उन्होंने स्व सहायता समूह के माध्यम से, एनजीओ के माध्यम से महिलाओं को सशक्त किया है, जिससे उन्होंने अपना खुद कुछ खर्च निकालने की भी कई स्कीमें उनको दी, और महिलाएं उस पर आगे बढ़ती रही हैं, निश्चित ही आगे भी राज्य सरकार उनके लिए। कुछ जो मांग होगा आपकी, कुछ बुनियादी मांग होगी शहर के लिए, बताइए। सर, शहर का जो रोड वगैरह की जो असुविधा हैं उन पर ध्यान दिया जाए, और हमारा जो अखंड धरना जनसंघर्ष समिति 275-276 दिन से चल रहा है, इसमें आने वाले बजट में अपेक्षा करेंगे कि जो उचित मांग है वो पूरी की जाए, ताकि केंद्र सरकार को ये कहने का मौका नहीं मिले कि भाई राज्य सरकार केंद्र के ऊपर धकेले, केंद्र राज्य के ऊपर धकेले। आप जिस तरीके से शहर को मानते हैं ना, जैसा हम शहर को मानेंगे, हम तो मानेंगे सरकार राज्य परिवहन जो प्राइवेट हो गया सरकार ले ले, तो अल्टीमेटली जनता को सुविधा होगा, वो बिलासपुर शहर का होगा, पूरा छत्तीसगढ़ का होगा। जैसा बिजली,
आप शहर को मानते हो, बिजली शहर से लेकर पूरे छत्तीसगढ़ में है, और जो बिजली को जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा या जो कंपनियों में हाथ में सौंपा जा रहा छत्तीसगढ़ में, जिस तरीके से विद्युत केंद्र है उसको अगर रिवाइव करता है, उसको अगर सरकार जिस तरीके से पब्लिक सेक्टर में चलाता था, वो जनता के लिए सुविधा होगा, विद्युत का दर नहीं बढ़ेगा। और खासकर बिलासपुर शहर का विकास के लिए जो 2-3 प्रस्ताव हम लोग यहाँ पे रखे, जो फ्लाईओवर के बारे बोल रहा है, प्लान बोल रहा है, जो रोड को जहाँ से सुविधा होगा वहाँ ले जाने के लिए, मूल दृष्टिकोण बजट का ये होना चाहिए सरकारी और राष्ट्रीय जो पब्लिक से जनता के भागीदारी, ये जो केंद्र जो आप पूछ रहे हैं आपका सबसे बड़ा सवाल होना चाहिए। भारतवर्ष का जो केंद्रीय सरकार बजट है वो देश को अस्थिरता करने का बजट है, इसलिए ये एक सरकार है जिसने भारतवर्ष में एक मिसाल बनाया किसानों को लेकर, सारे जगह उसके एग्जाम्पल हो, उस हिसाब से वो सरकार चलाने के लिए जन सुविधाओं को बढ़ाए, सरकारीकरण की ओर जाए, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप होगा, पर सरकारी और अगर पब्लिक मान सार्वजनिक उपक्रमों को अगर दुर्बल करने की कोशिश, मेरा सुझाव है छत्तीसगढ़ सरकार में भिलाई स्टील प्लांट को ना दे दे, सरकार का प्रोटेस्ट होना चाहिए, क्योंकि विशाखापट्टनम स्टील प्लांट को जो राष्ट्रीयकरण था उसको प्राइवेट दे दिया। तार बाहर का मुद्दा उठाया था उन दिनों, क्या क्या मांगी आपको? तार बाहर में हमारा सबसे प्राथमिकता के आधार पर तार बाहर में जो 4 लाइन का ओवरब्रिज बनना है, हम चाहते हैं बजट में इस बार उसको प्रशासकीय स्वीकृति तत्काल मिला जाए। 4 लाइन के हिसाब से उसका बजट बना के 229 करोड़ का प्राकलन बना के भेजा गया है, और मैं शासन से ये अपेक्षा करूंगा कि इस बजट में उसको तत्काल स्वीकृति प्रदान किया जाए। और आसपास के 6-7-8 गांव के लोगों का आना जाना प्रतिदिन शहर में होता है, तो यातायात की दृष्टि से ये बहुत आवश्यक और उपयोगी है। एक जो मांग है जो पूरे संभाग स्तर में, एक बहुत बड़ा अस्पताल की ज़रूरत मानते हैं क्या संभागीय स्तर का? संभागीय स्तर का अस्पताल होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ से सिर्फ अपोलो एक ऐसा अस्पताल है, जब कभी भी कोई मेजर बीमार होता है तो हम एक ही स्थान पर जाते हैं, और अगर वहाँ कुछ नहीं हो पाता है तो सीधा सीधा या तो हैदराबाद या बेंगलोर या बॉम्बे रिफ़र कर देते हैं। तो ऐसा एक अस्पताल होने की तो सख्त आवश्यकता है, ताकि हमको बाहर जाना ना पड़े। स्वास्थ्य की सुविधा हर गरीब व्यक्ति को मिलनी चाहिए, और उसमें कितना भी खर्च हो उसका खर्चा जो है राज्य सरकार को वहन करना चाहिए। फ्री इलाज, जैसा टाटा जी ने भैया ने बताया कि केजरीवाल जी दिल्ली में कर रहे हैं, कोई रोड एक्सीडेंट हो जाता है अचानक, गरीब परिवार का भी होता है, पैसे वाले का भी हो सकता है, तो वो उस समय अचानक उसके ऊपर 1-2 लाख रुपये खर्चा वो कहाँ से लाएगा? तो रोड एक्सीडेंट में जितनी भी मृत्यु होती है वो बिना इलाज की वजह से हो जाती है, उसका खर्चा राज्य सरकार को। ट्रैफिक की समस्या भी है बिलासपुर शहर में, मानते हैं क्या? बिल्कुल कनेक्टिविटी, हमारा जो सिरगिटी इलाका है जो नया नगर निगम से जुड़ा है जोन क्रमांक 2, कनेक्टिविटी के मामले में हम लोग बहुत पीछे हैं। एक तो जो नया एयरपोर्ट हमारे यहाँ 1 तारीख से हवाई जहाज उड़ने वाले हैं, जैसे कि सिटी बस की मांग हम लोग कर रहे हैं। एक दूसरा विकल्प रास्ता जो रायपुर मार्ग है, उसका दूसरा विकल्प रास्ता है सिरगिट्टी चौक से धमनी नकपुरा से चक्करभाटा, जो सिंगल रोड है उसको 4 लेन होना चाहिए, क्यों आने वाले समय में वहाँ ट्रैफिक बढ़ेगा और एक अलग से सुविधा मिलेगी एयरपोर्ट जाने के लिए। ये हम मांग करते हैं कि उस सड़क का चौड़ीकरण हो, 4 लेन हो, ताकि बिलासपुर से अच्छे से 2 रास्ते मिल जाए चक्करभाटा पहुँचने के लिए। और दूसरा, उस इलाके में सर एजुकेशन के मामले में हम लोग बहुत पिछड़े हुए हैं, वहाँ कॉलेज नहीं है, उच्च शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, लाइन के इस पार बहुत ही तकलीफ होती है आने में, और दूसरा बच्चियों के लिए जो 8वीं तक एक स्कूल है मिडिल स्कूल, उसको उन्नयन होना चाहिए, 11वीं तक होना चाहिए, ताकि जो बच्चियां हैं कम से कम 11वीं तक पढ़ सकें और आने वाले कॉलेज तक भी वो पढ़ सकें। ये मांग करते हैं शासन से, अपेक्षा करते हैं। बिलासपुर में जब हमने आम लोगों से बातचीत की, कुछ विशिष्ट लोगों से भी बातचीत की, शहर के महापौर से भी बातचीत की, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि शहर में बहुत सारी आवश्यकताएँ अभी है, खास करके शिक्षा के क्षेत्र में, हेल्थ के सेक्टर में, और स्कूलों का कॉलेजों का उन्नयन हो तो और ज़्यादा अच्छा होगा। तो आने वाले समय में जब बजट आएगा तो देखना होगा कि बिलासपुर शहर को और पूरे बिलासपुर संभाग को क्या कुछ मिलता है भूपेश सरकार से। विशाल कुमार झा, ETV भारत, बिलासपुर।